दिग्रस शहर के विभिन्न प्रशासकीय विभागों में सरकारी योजनाओं और प्रस्तावित कामों में गड़बड़ी, लेट लतीफी और धांधली जोरों पर शुरू है। यही वजह है कि कहीं जॉगिंग ट्रैक के 2,24,00,000 से ज्यादा की राशि के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो कहीं रमाई आवास योजना की बकाया राशि न मिलने के विरोध में नगर पालिका के समक्ष पुरजोर तरीके से अनशन और विरोध प्रदर्शन जारी है। दिग्रस नगर पालिका की इमारत के नीचे धरना दे रहे ये लोग संवैधानिक तौर पर अपने हक अधिकारों की मांग को लेकर यहाँ जमे हैं। पालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की अन्यायकारी कार्य प्रणाली के खिलाफ वे प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी से शुरू हुए इस अनशनों की कहानी में पहला मामला वर्ष 2018-2019 में मंजूर हुई रमाई आवास योजना के लाभार्थियों का है। उनको अब घरकुल निर्माण की बकाया राशि का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा, जबकि लाभार्थियों को रमाई आवास योजना से लाभान्वित होने की उम्मीद थी, लेकिन संबंधित विभाग के टालम टोल रवैये से कई लोग पहले ही किराए के घरों में रहने को मजबूर है। किसी के पास ठेकेदार को देने के लिए रुपए नहीं तो किसी ने ईंट, सीमेंट और सरिया उधार ले रखा है, तो कई लाभार्थी साहूकारों के कर्ज के बोझ के तले दबे हुए है। ऐसे में ये प्रदर्शनकारी स्थानीय प्रशासन से काफी खफा है। कोणालाही पुरेपूर हप्ते मिळाले नसल्यामुळे आम्ही अधिकारी, पदाधिकारी व संबंधित मंत्र्यांना वेळोवेळी तक्रार देऊन त्यांची मुलाखत घेऊन आतापर्यंत आम्हाला आमचा कोणत्याही मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आम्हाला त्यांचा लाभ दिला नाही। त्याच्यामुळे आम्ही नाइलाजास्तव दिग्रस नगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर दिनांक 26 जानेवारीपासून दुपारी 12 वाजता आमच्या कार्यकर्त्यासह, जसे आमचे जावई आहेत किशनरावजी उवाळे, प्रकाश भालेराव, भरत कांबळे, बापूरावजी कदम आहेत, विमलबाई आहेत, दसरत ठमके आहेत, या सर्व कार्यकर्त्यासह 21 जण आज आम्ही उपोषणाला बसलेले आहोत। जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही। अब दूसरा कमाल का मामला दिग्रस शहर के सरकारी कागजों में 2,24,00,000 से ज्यादा की लागत से बन चुके महान तपस्वी घंटी बाबा जॉगिंग ट्रैक का है, जबकि यह ट्रैक असल में दिग्रस की सरजमीन से फिलहाल गायब है। फिर भी लोक निर्माण विभाग के उपविभागीय अभियंता की अकलमंदी देखिए कि वे अनशन कर रहे संबंधित प्रदर्शनकारियों को जवाबी पत्र में बता रहे हैं कि जॉगिंग ट्रैक का काम वाकई में मुकम्मल हो चुका है, इसलिए उन्हें ये अनशन पीछे ले लेना चाहिए। आज रोजी मला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एक लेट पत्र भेटलेला आहे, त्यामध्ये बांधकाम विभागाने मला खुल्लं समर्थन दिलं असं मला वाटत आहे, कारण त्यांनी विषयामध्ये टाकलेलं आहे की घंटी बाबा जॉगिंग ट्रॅक संबंधित उपोषण मागे न घेण्याबाबत। आता स्वतः बांधकाम विभागाने समर्थन मला वाटतं दिल्यानंतर तर अजून माझी ताकद वाढलेली आहे। त्यानंतर याच लेटरमध्ये त्यांनी कबूल केलं आहे की इंटरलॉकिंग टाईल्स वगैरे सगळं काही आहे जॉगिंग ट्रॅकमध्ये। बहरहाल शिवसेना के विधायक और जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ के कार्यकाल में जॉगिंग ट्रैक का दिग्रस की सरजमी से यूं छूमंतर हो जाना और इस मुद्दे पर सवाल उठाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा बेतुके जवाब देना अचंभित करने वाली बात है। ऐसे में मामला जॉगिंग ट्रैक का हो या रमाई आवास योजना के घरकुल लाभार्थियों को हो रही दिक्कतों का, इन मुद्दों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय होना समय की मांग है। दिग्रस से BCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।